Hello and welcome to HD's weekly talk show the interview and our special segment coffee on sunday He called himself a Sufi sang the songs of Bulleh Shah but now dances to the tune of Hindutva This is how a friend described Hansraj Hans after he joined the Saffron Party. As a sevadar, he lit lamps in a dargah and called Prime Minister Narendra Modi a Badshah of Fakirs. Hans Raj Hans takes us through this and much more in this edition of HD's weekly talk show, The Interview, in our special segment, Coffee on Sunday. BJP MP Hans Raj Hans here with us in this edition. वेलकम टू द शो हंसराज हंस एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस बहुत बहुत शुक्रिया आप बींग्री तो लाए वेलकम लेट मी बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग एंड लेट मी टेक यू थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ शफीपुर विच यू से इज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस इन द वर्ल्ड शफीपुर के बारे में आपने कहा कि विश्व में सबसे सुंदर जगह है uh, उसका माना सिर्फ इतना था कि जिस जगह भी इंसान पैदा होता है सबसे पहले वही जगह देखता है जिंदगी से लेके जितना समा टाइम स्पेंड किया होता है वो उसके ख्याल में रहता है तो वो जो नक्शा है पूरी दुनिया में आप घूम लें वो नहीं मिटता वो जो यादें हैं उनको आप डिलीट नहीं कर सकते इसलिए मुझे मेरा गांव छोटा सा है उदास सा गांव है लेकिन मुझे सबसे लॉस वेगस से भी अच्छा वही लगता है तो यादों की जब बात करें तो कुछ अहम यादें जो आपके दिल पर छाप छोड़ गई हों, हैव लेफ्ट एन इम्प्रिंट ऑन योर माइंड बस साधारण सा परिवार खेतों में काम करने वाला कोई म्यूज़िक हिस्ट्री नहीं डेस्ट नहीं कह लें पराल कह लें पुराने संस्कार कहें मुकद्दर में लिखा हुआ था एक बच्चा किसी फ़कीर से योगी से सुबह सुबह वहाँ आते थे गजा करने तो वो लोग गाते हैं बड़ा कमाल के लोग होते हैं अब तो मुझे पता नहीं आते हैं या नहीं आते उस वक्त हर गांव में जाते थे तो लंबे लंबे खुले केश लंबे दाढ़ी और डफ डफली लेके वो गा रहे बाबा फरीद कलाम या कुछ ऐसा गफलत की नींद से बेदार करते थे लोगों को क्या लोगों सोने से बेहतर है अर्ली मॉर्निंग उठ के उस मालिक के ख्याल में जाओ और उसका भजन सिमरन जो जो भी जिस जिस धर्म में है वो आप उसको याद करो उसका मीनिंग ये था तो वो जो आवाज़ थी वो मेरे इधर दिलो दिमाग पे छा गई वो बाबा जी फिर बचपन से लेके स्कूलिंग से ले स्कूलिंग तक कॉलेज तक इवन हम मिलते रहे वो ढूंढ लेते थे मुझे उस वक्त मोबाइल नहीं थे मैं उनको बता के नहीं जाता था वो ढूंढ लेते थे मैं समझता हूँ ये फ़कीरों की रहमत है वो मेरे मन में याद है मेरे माँ बाप जो खेतों में काम करते थे मशक्कत करते थे सिर्फ इतना कमाते थे कि शाम को या दो वक्त की रोटी मिल जाए उनके डिज़ायर्स नहीं थे बहुत बड़े सपने नहीं देखते थे वो खुश थे बहुत सेटिस्फाइड थे जितना सरल है जितना सादा है उतना ही पुरस्कून है बंदा तो वो जो मेमरीज़ है मेरे ध्यान में होती है कि इतना दुनिया में घूमे नाम शोहरत दौलत कट्ठी की क्या हमने तरक्की की है या पीछे को चले गए हैं आपको तो क्या लगता है मुझे यही लगता है कि बहुत बड़े अचीवर होने के बाद भी बंदा अपना बचपना आज तलाश करता है कितनी बार शफ़ीपुर जाते हैं आप मैं जब भी जाता हूँ सबसे पहले शफीपुर ही जाता हूँ हालांकि कुछ अरसे क्योंकि जब तो गाता था मेरे पास थोड़ा बहुत फिर भी टाइम आता अब जिस लाइन में हों इसमें टाइम नहीं मुझे मिलता फिर भी मैं ख़्यालों में फिज़िकली तो मैं जाता ही हूँ लेकिन उतना नहीं जा पाता जितना जाना चाहिए लेकिन सो जाता हूँ जब सपने देखो इतनी उम्र हो गई है सपना फिर गाँव का ही आता है तो यही यादें हैं आपने स्ट्रीट सिंगर से म्यूज़िक सीखा जैसे आपने इंस्पायर हुआ और... कह लो असर कह लो सीखा तो मैंने अपने गुरुजी मेरे उस्ताद जी हैं उस्ताद पूरन शाह कोटी साहब वो कमाल की हस्ती है तो वो सूफी दरवेशों में रहते थे उनके मुर्शद जो थे गुरु थे वो भी सूफ़ी संत थे तो मैं भी ऐसे दरगाहों पे धार्मिक आश्रमों में फिर मेरा वो सारा तरबियत कह लें तालीम कहले हुई है पर उन्होंने कोई आपको फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं दी आप सुनते थे और सीखते थे जो सुबह सुबह बाबा जी आते थे उन उन्होंने तो कोई ट्रेनिंग नहीं दी आवाज़ असर कर दी थी तो एक लालचंद यमला जट पंजाबी लोग जानते हैं उनको वो भी एक तारे से गाते थे उनका असर था जेन पे जो म्यूज़िक की ग्रामर है तालीम है बाकायदा वो मेरे उस्ताद जी ने दी है मेरे म्यूज़िक और एक झोंपड़ी में सिखाया आपको हाँ जी उस वक्त झोंपड़ियाँ होती थी ख़ाना बदोशों की तरह मेरे उस्ताद जी रहते थे मेरी नज़र में वो सबसे रिच हैं सबसे अमीर हैं सबसे शांत जिंदगी जीते हैं शहनशाह मतलब मैं उनको कहूँगा उनको आप शहनशाह कह रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आपने बादशाह ऑफ फ़कीर्स कहा था और आपने कहा मैं फ़क़ीर हूँ इसलिए मैं उनको फॉलो करता हूँ उसके बारे में बताइए हाँ जी फ़कीर वो होता है फ़कीर की डेफिनेशन वो है कि जिस भी प्रोफेशन में है सबसे पहले वो ऑनेस्ट हो मेहनती हो केपेबल हो वो जैसे मोदी साहब हैं हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी उनके बारे में ये है कि वो सबसे पहले अपने मुल्क का सोचते हैं नेशन का सोचते हैं उनको लगता है कि मेरा वतन जो है देश है कभी विश्व गुरु होता था अब दोबारा बने तो देखो चंद्रयान तक पहुंच गए हैं बादशाह इसलिए हास्य से करता हूं कि वो रूलर हैं प्रधानमंत्री हैं हाकम हैं फ़कीर इसलिए कहता हूँ कि उनकी तमन्नाएं नहीं है जैसे जैसे दुनियादारों की होती है कि पैसे जोड़ लो अयाशी कर लो इस लिहाज से मैं उनको फ़कीर कहता हूँ इट्स नॉट फ्लैटरिंग दुश्मनों को भी चाहिए कि अगर कामयाब करना होना है दोबारा आना है तो उनको फॉलो करो वो बेहतर काम करके दिखाओ ना लोगों को तो खुद ब खुद आप भी मोदी बन जाओगे जब फ़कीरों की बात हो रही है और सूफिज्म की बात हो रही है जिसको आप बहुत फॉलो करते हैं आप दरगाह में एक सेवादार थे और आपका एक काम था कि रात के लैंप्स जलाने का उसके बारे में बताइए और उसके बारे में काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ है पर फिर भी आप बताएं क्रिटिसिज्म कोई ख़ास नहीं हुआ उसके बारे में सूफी uh, क्योंकि तो हर धर्म का uh, पूरी यूनिवर्स के लिए प्रे करता है तो क्रिटिसाइज उसमें कम होता है जो किसी खास रिलीजन धर्म से जुड़े संप्रदाय होती हैं डेरे होती उसका होता है तो वहाँ लैंप का मतलब वो चिराग होते हैं कहते है चार चिराग तेरे बलन हमेशा पंजमा में बालन आई वो चिराग तो वहाँ हर वीरवार जलता ही था एक मसलसल कंटिन्यू जलता है वो सिंबल है पहले बल्ब नहीं होते थे रोशनी के लिए भी जगता था लेकिन ये स्पिरिचुअल जो लाइट है मस्तक में जो दाग है ना जिसमें कबीर साहब ने कहा दिया बलया का बिन बाती बिन तेल जो भी बार हम चिराग जगाते वो अंदर का ही है मामला सर तो वो मैं वो भी ड्यूटी की है <laughs> क्या एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसीलिए तो मैं गर्क नहीं होता गाना भी गाता हूँ तो मज़े से पॉलिटिक्स में भी हूँ तो मज़े में हूँ अगर वो ना चिराग जले तो बंदा पता नहीं कहते ना आदत ही बना ली है तूने तो, तो मनिर अपनी जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना हर दिन उत्सव की तरह होना चाहिए शुक्र है मालिक का हम जिंदा हैं शुक्र है, है मालिक का आज का दिन अच्छा गुजर गया है रात को थोड़ा हिसाब किताब दे के बड़ा साहब वही है बड़े साहब को साफ दे साहब किताब दे के सो जाओ मज़े से जब आप रात में हिसाब किताब करते हैं तो कभी ऐसे आता है कि पॉलिटिक्स इस हिसाब में नहीं बैठता क्योंकि एक पॉइंट पे आपने कहा था आई एम फेड अप ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज़ नॉट फॉर मी पॉलिटिक्स में कभी कभार ऐसा होता है लेकिन पॉलिटिक्स को लोग बहुत ज़्यादा सोचते कि कोई बुरी शहर का नाम है मैं बीच रह के कह रहा हूँ अब जब मैंने कहा था बुरी चीज़ उस वक्त मेरे साथ बुरा हो रहा था कुछ पार्टियों ने मुझे डिच किया था तो उन पार्टियों की वजह से मुझे लगता था ये झूठे लोग हैं कांग्रेस और अकाली दल जो भी हैं मैं अब मेरा जन्म ही नहीं हुआ नफरत के लिए वो मैं अब जब ठंडे हृदय से सोचता हूँ अब मैं शांत हो गया हूँ तो मुझे लगता है वो भी मेरा कर्म चक्कर था वो वहाँ भी मुझे जाना था उनका उस वक्त फिर मुझे लगता था कि सियासत दो की तरह है पर मैं जब से बीजेपी में आया हूँ मुझे लगा ये ये जो कर्मयोगी लोग हैं रात दिन लगे रहते हैं नतमस्तक भी होते हैं डोर टू डोर जाते हैं जैसे बाबा जी मांगते थे आटा वैसे हम भी दर दर जा के कहते हैं जी हम आपके सेवक हैं और हम पे कृपा रखिएगा तो अब मेरा दिल लग गया है मैं खुश हूँ कहते किसी को परखना हो तो उसको पावर एंड पैसा दे दो तो पता चल जाएगा किस पाए का बंदा है तो पैसा तो पहले मालिक ने कृपा थी शहरत की कोई कमी नहीं थी ये पावर इसमें मुझे पता ही नहीं चलता कोई शीशे के आगे कभी खड़ा हो तो कभी याद आ जाए कि एम पी पी बना हुआ तो वरना मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल ही नहीं रहता बट इज़ इट ऑल्सो ट्रू दैट इन पॉलिटिक्स योर टैलेंट हैज़ बीन सीट और जितना पहले गाते थे उतना अब नहीं गाते और एक ये भी बात थी कि शायद बीजेपी लीडरशिप ने आपसे कहा कि पॉलिटिक्स करो काम करो अब गाने को छोड़ो या उसको एक बैक सीट दे दो नहीं बीजेपी गाने को मना नहीं करती मैंने आप ही सोचा कि फुल टाइम ही मुझे सेवा करनी चाहिए मैंने पच्चीस साल 20-25 पच्ची साल बड़ा रूह से काम किया है तो अब मैं कमर्शली नहीं गाता अदरवाइज गाता रहता हूँ मैं ऐसी कोई बात नहीं शो नहीं करता फिल्मों में नहीं आ पाता कोई नई एल्बम नहीं आ पाती उस सबको मिस नहीं करते आप और कभी कभी ऐसा नहीं लगता दैट दैट वॉज बेटर एंड पॉलिटिक्स या जो आपकी जो रूहानी वो है पॉलिटिक्स ने उसको ले लिया नहीं रिग्रेट नहीं है मुझे कोई लेकिन उस, उस, उस काम जैसा तो कोई काम ही नहीं है वो तो कमाल का काम है आपने रियाज़ करना है लोगों की सिर्फ दुआएं मिलनी हैं प्यार मिलता है पैसा भी बेशुमार मिलता है डेढ़ दो घंटे परफॉर्मेंस है तो कितना प्यार से इसमें ये थोड़ी थैंकलेस जॉब है अब मैं जन्म जात तो पॉलिटिशियन नहीं हूँ तो कई बार नहीं होता जाने का मूड तो इसमें माफ़ी नहीं है लोग कहते है, हर वक्त यानी हाजिर रहे तो ऐसे आवाज ही लगती सुबह और के मुजरिम हाजिर हो <laughs> तो वो बात कभी बोझ डालती है कि यार खास तरह की पाबंदी सी है कैद सी है तो उससे भी निकल जाएंगे माफ़ी नहीं मिलती और क्या ये इन अ सेंस नफरत की दुकान है पॉलिटिक्स आई एम नॉट सेइंग बीजेपी नहीं खुद ना नफ़रत करो फिर आप पे नफरत कोई असर नहीं करती Uh, लेकिन थैंकलेस जॉब मुझ मैं जरूर कहूँगा कुछ भी कर लो मैंने बहुत खुश नहीं कभी देखा लोगों को सो हाउ डू यू डील विथ ऑल दिस मैं कुछ भी नहीं मेरा क्या नुकसान होगा मेरे पास नुकसान होने के लिए है क्या मैं कोई ऐसा तो हूँ नहीं बंदा कि हमेशा मैं एमपी बना रहूँ जितनी देर हूँ उतनी देर ईमानदारी से हूँ मुझे लगता कि मैं शीशे के सामने जाके शर्मिंदा ना हूँ कमिंग बैक टू योर गुरु आपका नाम हंस शायद उन्होंने दिया तो मुझे अपने रियल नाम पहले नाम जो माँ बाप ने दिया उसके बारे में और हंस तक की यात्रा बताएं मेरे कई नाम हैं पर मैं ये कहूँगा कि हम रूहे सफ़र हैं हमें नामों से ना पहचान बाकी माँ ने जोरावर सिंह भी रखा था फिर वहाँ गए हंस हो गए मैं पाकिस्तान गाने गया था पाकिस्तान गए तो मोहम्मद यूसुफ हो मोहम्मद यूसुफ क्या कह, कहने लग गए कोई कुछ कोई कह, कुछ कहता है मैं कहता हूँ गरीब आदमी के नाम भी लोग अपनी मर्जी से बिगाड़ते रहते हैं <laughs> मोहम्मद यूसुफ कैसे हुआ आपने केजरीवाल को ब्लेम किया बट एक्चुअली इट वॉज द पाकिस्तानी मीडिया विच सेट यू हैव कन्वर्टेड टू इस्लाम यू हैव एम्बरेस्ड द नेम मोहम्मद यूसुफ एंड यू वॉन्ट टू गो टू मदीना मदीना तो जैसे दरबार साहब जाते हैं जैसे दुर्गयाणा मंदिर जाते हैं माँ वैष्णो देवी जाते हैं आप कहीं भी तीर्थ स्थान मदीना मक्के की जब बातें करते तो लोग कहते हैं कि वहाँ भी मत्था टेकने में कोई हर्ज नहीं पर उसका मतलब ये नहीं कि आपको धर्म चेंज करना पड़े ये जन्म जात वैसे बंदे का अधिकार है वो चेंज कर सकता है कन्वर्ट हो सकता है लेकिन सूफी का कोई धर्म सूफी को कोई ज़रूरत नहीं होती मैं सूफीज़म का पा सालिक हूँ रागीर हूँ उसमें धर्मों धर्मों को कोई ज़्यादा भाव नहीं देते हिंदुओं द्वारा रब चढ़ पासे मुसलमान दा लेंदे आशकान द्वारा रब बचारे पास वो सजदे करते रहते वैसे मैंने कहा मेरे जैसे बदशक्ल बंदे का नाम बड़ा अच्छा रखा है मुझे पढ़ा था कि यूसुफ बहुत खूबसूरत आदमी था पैगम्बर थे और लेकिन बहुत बेानतहा खूबसूरत मैंने कहा चल शुक्र नाम तो अच्छा रखा अब मैं सारी ज़िंदगी मिनट ही पाई लोगों की हाथ ही जोड़ा है तो जोरावर सिंह वैसे सख्त नाम था <laughs> तो हंस थोड़ा मुलायम था यूसुफ ये था तो नाम नाम क्या है लोग रख लेते हैं कर लेते हैं पर मेरी माँ का रखा नाम मुझे बहुत प्यारा है साईं जी का दिया हुआ नाम बहुत जोरावर जो आप इस्तेमाल नहीं करते किसी को पता ही नहीं है पहले शुरू से ही ख़त्म हो गया वो क्यों क्योंकि उन्होंने लगा होगा ना कि जोरावर नाम ही है है तो बेचारा कमज़ोर सा बंदा। <laughs> आपने एक बार ये कहा है कि मेलेडी हैज़ गॉन आउट ऑफ म्यूज़िक एंड नॉइज हैज़ कम इन कि अब म्यूज़िक में सुर नहीं रहा और बहुत शोर आ गया है हाँ जी लाउडनेस जो है वो ज़्यादा है मतलब ऑर्केस्ट्रा इस किस्म का है वो उस मेलेडी को वो खाता है जैसे लता जी रफ़ी साहब किशोर दादा ये लोग कमाल हुए हैं पंजाबी में सुरेंद्र कौर आशा सिंह मस्ताना जी लालचंद जी जैसे मैंने अर्ज की तो सूफियों में नुसरत खां साहब और जगजीत साहब देखो कितनी सूदिंग आवाज़ थी उस लिहाज से मैंने कहा था बट यून यू सी दैट इन वन सेंस यू आर डिबंकिंग वॉट एवर यंगर जनरेशन और द करेंट जेनेशन म्यूजिशन फॉर ना फॉर ना टू मुझे पता नहीं अच्छा ही है मुबारक हो मुझे एक जगह यहाँ दिल्ली में कह रहे थे नया रेस्टोरेंट खुला है वहाँ ले गए वहाँ इतना धुआँ था इतना लाउड था म्यूजिक कि आफ्टर फाइव मिनट्स मैंने कहा भैया बहुत बहुत मुबारक खाना कहीं और खड़ा पता नहीं लोग कैसे बर्दाश्त करते देखो मैं बुरा नहीं कहता हूँ लेकिन मैं दो मिनट नहीं वहां बैठ सकता तो जो सेंसिटिव कान है उनके तो ऐसे लगता है जैसे कोई छुरी मार रहा है मैं तो लता जी को सुनता हूँ कल सुन रहा था कि जब प्यार किया तो डरना क्या मोहब्बत की झूठी कहानी फिर बड़ी चोट खाई सुर में इसको सुर में कह दें मोहब्बत की झूठी कहानी पे मोहब्बत की झूठी कहानी पेरो बड़ी चोट खाई जवानी पेरो जवानी पेरो पे मोहब्बत की झूठी कहानी पेरो ऐसे नहीं ऐसा कुछ आपके कुछ फ्रेंड्स ने आपके बारे में कहा ही इज अ मैन हु कॉल्ड हिम सेल्फ अंग बुल्ले शाह बट नाउ सिंग्स द ट्यून्स ऑफ हिंदुत्व बुल्ले शाह से सूफी बुल्ले शाह और अब हिंदुत्व की ट्यून गाते हैं इसके बारे में आप बताइए वुड यू अग्री टू दिस मुझे पता नहीं कौन से हिंदुत्व क्या है बुल्ले शाह क्या है डिफ्रेंशिएट कैसे कर रहे हैं वो हिंदुत्व में भी एक, एक का ही जिक्र है एक भगवान बुल्ले शाह भी मानने से वाले हैं कट्टरता बुल्ले शाह में भी बुरी है बुल्ले शाह के बुल्ले शाह का पहली बात धर्म नहीं था मजहब नहीं था वो उनको काफर कहते थे तो ऐसे ही हिंदुत्व में भी जो जहाँ कट्टरता है वो कोई भी धर्म है समझो कब कब मर गया अगर आपको एक चॉइस दी जाए म्यूजिक यू चूज तो आप क्या अब तब तो मेरा म्यूजिक ही मैं बहुत मिस करता मुझे ऐसे लगता है मैं अपने महबूब को अपने मशूक को आ, मैंने आ, मेरे से रूट गई जिंदगी रूट गई मैं बहुत बैडली मिस करता हूँ काश वो मुझे माफ़ कर दें मुझे ऐसे लगा जैसे बद दुआ दे दी गई मेरे किसी फकीर ने बद दुआ दे दी जाओ सियासतदान हो जाओ इसको बदलना चाहेंगे वुड यू लाइक टू चेंज पता this? नहीं अब मैं मुझे पता नहीं है लेकिन लगता मुझे यही है कि मेरे गुरु जी या कोई पीर फकीर मेरे से नाराज़ हो गया एक पंजाबी म्यूजिक में बहुत गन कल्चर की बात आई है और बहुत सारे म्यूजिशन और सिंगर्स उसके टारगेट हुए सिद्धू मूसेवाला बीइंग वन ऑफ देम क्या आप इसको वॉट डू यू एट्रीब्यूट दिस टू और ये गन कल्चर और प्रमोट प्रमोटिंग वायलेंस इसके बारे में म्यूज़िक पंजाबी म्यूज़िक सबसे ज़्यादा उदासी मुझे इस बात से हुई है कि जिन हाथों में रवाब होने चाहिए फल्यूट होना चाहिए सरंगी होनी चाहिए वाजा होना चाहिए तूमी होनी चाहिए उन हाथों में वेपन नहीं होने चाहिए ना गानों में ना मूवी में ना वैसे जाती तो ये सैड पहलू है ये हम बहुत सख्त दौर से गुजरे लोग हैं वट इज़ द रीज़न आई डोंट नो एंड हाउ मच यू ब्लेम द सिंगर्स मैं तो बेनती कर सकता हूँ बच्चों को बेटा ऐसा संगीत सिर्फ संगीत को रूह की गजा कहा जाता है एक गज़ा है गजा है खुराक है बॉडी के लिए जिस्म के लिए तो रूह की गजा संगीत है तो इसमें वेपन शैपन मार धाड़ नफरत नहीं आनी चाहिए मुझे नहीं लगता कि हाँ, इसके इसमें कोई जगह है इनफैक्ट आपने एक बार खुद कहा था दैट द राइज इन क्राइम रेट इज ड्यू टू द द म्यूजिक द्यूजिक हियर कि जो या जो जनता म्यूजिक सुनती है उसकी वजह से क्राइम रेट बढ़ा है आ, हमारे जमाने में भी वलगरट्टी थी कुछ डबल मीनिंग वाले गाने थे सिंगर्स का अपना फर्ज बनता है राइटर का भी अपना फर्ज बनता है कि वो गाए जिसमें कोई अच्छी बात जाए अच्छा मैसेज जाए हाँ एंटरटेनमेंट होनी चाहिए कोई नो no प्रॉब्लम लेकिन उसमें वेपन शेपन ना हो नफ़रत ना हो मार धाड़ ना हो तो क्या कारण है कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री पर्टिकुलरली वायलेंस को प्रमोट कर रही है लस्ट फॉर मनी है और क्या है हो सकता है व्यापारी हैं पैसा है पैसा है उनके पास प्रमोट करते हैं ऐसी चीज़ें विच इज़ वेरी बैड मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ना नशा करो ना वार करो करना है अगर तो प्यार करो मुश्किल से मिलता है जीवन क्या तुमको नहीं पता कर लो तोबा सौ सौ बार कहते फिर हो गए वरना यार दिल टोटे टोटे हो गया यू स्पोक अबाउट मेमरीज यू स्पोक अबाउट इम्प्रेशन विच हैमरी विच यू वुड लाइक टू इरेज जो आप एक वो याद जो आप अपने जहन से मिटाना चाहेंगे जब रिश्तों की मौत होती है अपनों की मौत होती है आपके हाथों में आपकी माँ चले जाती है बहुत कहने के बावजूद भी मैं सुर में नहीं गा रहा था मेरे उस्ताद जी इस बात से बहुत खफा होते थे वो बैड मेमोरी है मेरी गाने की बात करें तो इस प्रोग्राम को एंड करते हैं आपके दो गानों से एक कोई बॉलीवुड का और एक सूफी हाँ जी बॉलीवुड का एक मैं गाता हूँ इश्क है पानी का एक कतरा कतरे में तूफान एक हाथ में अपना दिल रख ले रख ले एक हाथ में रख ले जा एक ये था नुसरत खान साहब के लिए गाया एक प्राइवेट है ये जो सिली सिली हवा कितने कोई रोदा होवेगा एक था दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए की करिए नैनों में किसी के खो गया हो एक करिए की करिए ओ मैडम तेरी चाल तेरे सिल्की सिल्की बाल अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं नशे में डली हो गया ओ की करिए की करिए ना मैं मस्त हूँ ना हूँ शराबी मुझे मैं कदे की खबर नहीं तेरे इश्क ने वो नशा दिया मुझे हर नशे से बचा लिया उस नशे में टली हो गया जोरावर सिंह जी Hansraj Hansji, thank you very much. Thank, thank you for you. your time. Thank you. And thank you for singing for us. Thank you